कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आपको अभी पता है, मैं 32 देशों की विश्व शांति यात्रा कर आया हूँ पूरी दुनिया में एक शांति का संदेश देने। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली का माहौल ठीक नहीं था, इधर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। आज मैं दिल्ली में हूँ और उसी एरिया में हूँ, उसी जगह पर हूँ। मैं इस वक्त जाफराबाद में दिल्ली में खड़ा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर अब माहौल बिल्कुल हर तरीके से सही है। लोग शांति से हैं, हर समुदाय के लोग, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आपस में प्यार से रह रहे हैं। भाईचारे का संदेश आप इधर देख सकते हो। ये सारे इधर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों के लोग हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और प्यार का संदेश ये आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं। ये देखिए, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। अभी इधर हमारी तरफ से देखिए शांति का संदेश दिया गया है, मैसेज ऑफ पीस। बहुत अच्छा भाईचारा इधर दिल्ली में देखने को मिल रहा है, किसी भी अफवाह से आप दूर रहिए। बहुत अच्छा माहौल है दिल्ली में। सब धर्म, इन सब लोगों का कहना है दुनिया में सिर्फ एक धर्म, एक दुनिया, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इसी बारे में इनसे बात करते हैं, आपका क्या कहना है जी? यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं, मुझे 40 साल हो गए इस रोड पे। हाँ जी, सब ऐसे ही रहते हैं मिलके। अच्छा जी, हाँ जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे फादर साहब बल्कि यहाँ से 45 साल पुराने हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, सारा से मिलजुल के रह रहे, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम। तो आप सुन सकते हैं, आप हम इनके बारे इनसे पूछते हैं। हमारे यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी आपको झगड़ा वगड़ा नहीं, सब आपस में मिलके रह रहे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, ऐसी आपको दिक्कत नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, जाफराबाद से हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। विश्व शांति यात्रा हमारी आज जाफराबाद पहुंची थी और इधर बिल्कुल शांति और प्यार का माहौल है। आपस में सब भाईचारे से रह रहे हैं और उम्मीद है कि हम सब ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना ही है। तो हम क्यों एक दूसरे को ऐसे मारने पे तुले हुए हैं? मरना तो सबको है ही एक दिन। तो यही एक प्यार और मोहब्बत का संदेश इधर से ये इस जनता ने हमें दिया है। हर धर्म के लोग इधर आप देख सकते हैं मेरे साथ खड़े हैं और काफी अच्छा लगा ये सुनकर। और उम्मीद करते हैं हम, आप भी ऐसे कोई भी नफरत भरी पोस्ट या ऐसी चीज ना करिए सोशल मीडिया पर, अच्छाई दिखाइए। अच्छाई से ही इस दुनिया को, प्यार से ही इस दुनिया को जीता जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।